उड़ीसा में जो आ, लोकल प्रेस है कई सारे लोग कह रहे थे दैट इट इज बिकॉज यू मैनेज टू ब्रिंग अ फुट होल्ड ऑफ बीजेपी इन टू द स्टेट क्योंकि बीजेडी का इतना वहाँ पे रुतबा है लेकिन बीजेपी मेड इन बिकॉज ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एंड दैट इज वाई ही रिवॉर्डेड ये ये अतिशक्ति होगा चौदह में तो बीजेपी एक सीट जीता आठ सीट एक बड़ा ग्रोथ हुई उन्नीस तक चौदह से उन्नीस तक प्रधानमंत्री जी की व्यक्तित्व उनकी नीति को उड़ीसा ने पसंद किया देखो मैं ये स्पर्ना कभी नहीं कर पाऊंगा कि मेरे कारण उड़ीसा में बीजेपी बनी बीजेपी अस्सी के बाद उड़ीसा में बनी उसके पहले जनसंघ भी था हाँ छोटी ताकत था लेकिन बीजेपी के क्वांटम ग्रोथ हुई सब्सटेंशियल जंप हुई चौदह के बाद उसमें मूल कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी उनके ऊपर उड़िया लोगों का भरोसा उसके साथ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी रही उसमें जुड़ी लेकिन आज हम इसके कारण हमने चौदह में जब देश ने पूरा भरोसा किया उस समय में भरोसा नहीं कर पाया हम तीन नंबर की पार्टी थे चौदह में भी उनसे आते आते हम लोग प्रभावशाली दो नंबर की पार्टी बन गए हमारी वोट की फासला एक नंबर पार्टी और तीन नंबर पार्टी में पच्चीस परसेंट की होती थी पर तो वो कांग्रेस का वोट बैंक आपको मिला कांग्रेस का वोट शेयर मैं, मैं 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 उसकी शब्द लोगों का मोदी की वोट बैंक बन गया अच्छा किसी से हमने उधार नहीं लिया लोगों ने भरोसा किया कि मोदी हमको कर सकते हैं नवीन पटनायक का क्या इतना मैजिक uh, है uh, उड़ीसा में कुछ बताएंगे कि ही सच लाइक चीफ मिनिस्टर कह दीजिए या जो भी दैट ही इज लाइक अनशेकेबल इन उड़ीसा क्या उनका वो डेमोक्रेसी में इस प्रकार के अवसर खूब कम लोगों को मिलता है आदरणीय ज्योति बसु जी को मिला था पवन चामलिंग जी को मिला था अभी नवीन बाबू जी को मिला है, है। और पार्टी करके गुजरात में भी हम लंबे समय से भले ही हमारी नेतृत्व की चेहरा परिवर्तन हुआ उस गुजरात के एक्सपेरिमेंट में हम देश की एक देश की, की एक राज्य मुख्यमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री देश की प्रधानमंत्री बने और विश्व के एक प्रभावशाली नेता बने डेमोक्रेसी में लोगों ने लोगों की भरोसा सबसे बड़ी है और मेरे को हिचकिचाहट कोई विषय में नहीं आज भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पे बीजू जनता दल का ओपोनेंट पार्टी है प्रतिद्वंदी पार्टी है लेकिन मेरे को उसमें से स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं है हम दो नंबर की पार्टी है हम तीन नंबर से कभी हम लोगों की गठबंधन थी आज हम फिर कभी अलग हुए आज हम तीसरे से फिर दूसरे जगह पे आए तो डेमोक्रेसी के नियम से चलेगा लेकिन नवीन बाबू की ऊपर उड़िया लोगों की भरोसा है इसीलिए उनके ऊपर तो बीजेपी के लिए नवीन बाबू क्या है इजी राइवल क्योंकि सेंटर पे तो वो जब भी पार्लियामेंट में होते तो या तो वो एब्सटेन करते हैं या इन फेवर वोट करते हैं यू नेवर सी एन एग्रेशन जैसे बाकी राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दे आर अग्रेसिव टूवर्ड्स द बीजेपी लेकिन यहाँ नवीन बाबू तो यू कांट रियली से मतलब कंफ्यूज होते हैं लोग सब की नहीं ऐसा नहीं सबकी व्यक्तित्व तो अलग अलग होती है सबकी प्रेजेंटेशन भी अलग अलग होती है तो नवीन बाबू एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते उनकी जो राजनीतिक सहमति है जो असहमति है तो उन्होंने अपना एक पैरामीटर्स बनाया उसी से वो काम करते हैं लेकिन उस सभी को तो एकदम अनफॉर्चुनेटली भारत में गाली गुलजच को ही असहमति माना गया है शायद मैं एक व्यक्ति करके मानता हूं नवीन बाबू उस रास्ते को चुने नहीं किसी के साथ भी हो उन्होंने अपना एक तरीका निकाला इसलिए ये जो पैरामीटर्स में कहा जाता है वो एग्रेसिव नहीं है ये अब्यूजिव नहीं है इसलिए शायद लोग उनको पसंद भी करते हैं हाँ। लेकिन डेमोक्रेसी में एक पक्षीय विपक्ष रहेगा आज मैं मेरा भरोसा हो रहा है जिस प्रकार के मोदी जी की एक एस्पिरेशनल फिलोसफी है जिसको विकसित करना वोट के ऊपर विकास की चिंता करना आप जानते हैं उड़ीसा में जब 2014 की पहले उड़ीसा एक मिनरल बेस्ड स्टेट है उड़ीसा की अर्थनीति मिनरल रिसोर्स से ही जुड़ा हुआ है उड़ीसा में एनुअली पांच हजार करोड़ रुपया बढ़ के कारण, आज उस संख्या बढ़के, पिछले बजट में उड़ीसा सरकार ने डाटा दिया फिफ्टी थाउजेंड करोड़ हो गया है और अगले साल ये सेवेंटी थाउजेंड करोड़ होगा कारण कौन बने कारण नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बने एंड क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बीजेडी और सेंटर uh, के बीच देखिए मुद्दा है विकास कौन कर पाएगा हाँ जिम्मेवारी uh, जब जून uh, सेकेंड को जब रेलवे ट्रेजेडी हुआ था तो uh, इतने सारे लोगों की मौत हुई थी वहां पर uh, ममता बनर्जी आई थी साइट पर और इट वाज क्वाइट क्लियर कि वहाँ पे टेंशन है थोड़ा बैक स्टोरी बताएंगे कि जब ममता बनर्जी आई वाई इज इट दैट देर वॉज दैट टेंशन वहाँ पर देखिए हमारी परंपरा में जब कभी विपत्ति होती है ना उस समय में तूतू तू, -तू -में, में नहीं होती है उस दिन सबकी इच्छा था मैं तो सुबह से था वहाँ सबकी कोशिश थी कि भाई लोग जो हताहत हुए हैं उनको कैसे रेस्क्यू करें उनको कैसे हॉस्पिटल पहुँचाएं दुर्भाग्य से जिनकी जिंदगी चली गई उनकी परिजनों को कैसे सांत्वना दे उनको कैसे संभाल के घर पहुंचाए, उनकी मृतक शरीर को ये सब कोशिश चल रही थी उस समय में कुछ लोग राजनीति तो अपने तरीके से करना चाहते थे लेकिन सामूहिक रोगों में जो पीड़ित लोग थे और जो स्थानीय लोग थे दोनों ने उस राजनीति की पंजे में नहीं आए लोगों ने उसमें धैर्य से जो व्यवस्था चल रही थी राज्य सरकार की द्वारा जो व्यवस्था थी या जो केंद्र सरकार की द्वारा व्यवस्था थी यार सबसे तो ऊपर वहाँ की व्यवस्था तो संभाली थी नागरिकों ने लोगों ने संभाली थी ये हमारे देश की मूल परंपरा है और वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए थे अन्य राज्यों के नेता भी आए थे ममता जी भी आई थी स्वयं प्रधानमंत्री उसी दिन पहुंचे थे हॉस्पिटल भी गए लोगों को मिले प्रत्यक्ष घटना के कारण तक समझने का कोशिश उसी क्षण में कोशिश किए तो उसकी अपना एक भरोसा विश्वसनीयता तो बनती है ना उसमें से कुछ लोगों को राजनीति नहीं करना था कुछ लोगों ने किया